आज मैं बिल्कुल नए तरीके से छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध खस्ता खुरमी बनाने जा रही हूँ। इसे मध्य प्रदेश बिहार में भी बनाया जाता है और ठेकुआ के नाम से जानते हैं। खुरमी में नया क्या है ये तो वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। यकीन मानिए अगली बार से आप इसी तरह से खुरमी बनाएंगे। नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए मैंने ये आधा किलो गेहूं का आटा लिया है, आधा कप सूजी है, आधा कप ही देसी घी लिया है मैंने। इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल भी मोयन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक कप चीनी है, चीनी की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं। और ये सफ़ेद तिल है, तिल से बहुत बढ़िया स्वाद आता है। और ये सौंफ है, सौंफ से भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है। इसमें मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, इसके लिए मैंने काजू लिया है, काजू को कट कर लेंगे। और बादाम लिया है, किशमिश है। आप और भी अलग ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, आपके पास जो है आप डाल सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक कट कर लेंगे। सबसे पहले एक बड़े से बाउल में आटे को डालेंगे, उसके बाद सूजी को भी इसी में मिक्स कर देंगे और सौंफ, तिल और ड्राई फ्रूट। ये ड्राई फ्रूट को मैंने वो हमाम दस्ते से कूट लिया है, इसमें थोड़े बहुत बड़े पीस हैं उसे तोड़ लेंगे। और वैसे ही बादाम को भी मैंने हमाम दस्ते में कूट लिया है, इसमें भी थोड़े बड़े पीस हैं उन्हें तोड़ लूँगी क्योंकि वो बाहर निकल आते हैं तलते हुए। और किशमिश को भी बारीक बारीक काट लिया है। अब इन सब को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने घी को पिघला लिया है, अब घी को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और आटे में अच्छे से मिलाएंगे। इस तरीके से मुट्ठी में बांध कर देखेंगे, देखिए बिल्कुल परफेक्ट मोयन है। अब चीनी को घोलना है तो एक कप चीनी में पौना कप पानी लेंगे और चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से घोल लेंगे। चीनी बिल्कुल घुल चुकी है। अब इस मिश्रण में इस चीनी के घोल को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। इसका सख्त डो बनाना है, बहुत पतला नहीं करना है, यानी नरम नहीं करना है। खुरमी का डो थोड़ा सख्त ही होता है। थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे चाशनी को। चाशनी नहीं, यानी चीनी के पानी को अब और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा बहुत बचेगा उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। इतना सख्त डो तैयार करना है और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इतना वो चीनी वाला पानी बच गया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में यूज़ कर लेंगे। 10 मिनट बाद देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब और ज़रूरत पड़ेगी चीनी वाले पानी की। तो बिल्कुल परफेक्ट डो है खुरमी के लिए। तो थोड़ा सा पोर्शन लेके छोटा सा इस तरीके से हाथ से करके, और पाटे में भी हल्का सा घी या तेल लगाने के बाद इस तरीके से बेलन की सहायता से बेल लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और साइड साइड से इस तरीके से बराबर कर लेंगे हाथ की सहायता से, जो कटे फटे से होते हैं उन्हें बराबर कर लेंगे। और फिर से बिल्कुल एक सार होना चाहिए चारों तरफ, बिल्कुल एक जैसा। इसकी देखिए मोटाई इतनी होनी चाहिए।
साइड साइड से जो कट्टे फटे से हैं उन्हें इस तरीके से चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। उसके बाद इस तरीके से पीसेस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे गोल गोल जैसे ढक्कन की सहायता से गोल शेप दे सकते हैं कट करके। ये लगभग खुरमी छत्तीसगढ़ में प्रायः सभी त्योहारों में बनाया जाता है, बहुत शौक से खाते हैं लोग। अब इसे तलने की बारी आती है, तो मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल से तलूंगी। तेल शुरू में बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद ये डालने के बाद बिल्कुल आँच को बिल्कुल सिम में कर देंगे और धीरे धीरे धीमी आँच में सेकना है इसे, ताकि अंदर तक बिल्कुल खस्ता सिक गया। तुरंत नहीं पलटना है, थोड़ा सा सिक जाए हल्का सा, उसके बाद पलटेंगे ताकि टूटे ना खुरमी। सभी को पलट लेंगे इस तरीके से। कुछ ड्राई फ्रूट ऐसे बाहर निकल आते हैं तो उन्हें निकाल लेंगे ताकि तेल खराब ना हो। बबल्स बिल्कुल आने बंद हो जाएं तो समझ लिए खुरमी अच्छे से सिक गई है। बबल्स आने बंद हो गए हैं, अब खुरमी को निकाल लेंगे। छत्तीसगढ़ में खुरमी के साथ ठेठरी का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठेठरी और खुरमी साथ में ही बनाते हैं हर त्यौहार में। ठेठरी की रेसिपी मेरे चैनल में है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। सभी खुरमी को इस तरीके से ही सेक लेंगे। प्रायः हर स्टेट में इसे बनाया जाता है। लीजिए, ड्राई फ्रूट वाली खस्ता खुरमी बनकर तैयार है। देखिए अंदर से कितनी खस्ता और करारी बनी है। तो कैसी लगी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली रेसिपी के लिए जुड़े रहें। नमस्कार।